गुड मॉर्निंग इंडिया। डेली करंट अफेयर क्लास सुबह 8 बजे, डेली वोकैबुलरी शो सुबह 8:30 बजे, इंग्लिश डोज दोपहर 1 बजे, मैथ्स मैजिक दोपहर 2 बजे, रीजनिंग मंत्रा दोपहर 3 बजे, मंडे टू फ्राइडे बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। हेलो गाइस, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं साहिल खंडेलवाल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ये जो आपके सामने आज टॉपिक है वो है डेटा सफिशिएंसी। जी बिल्कुल, सब लोग जुड़ जाइए क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप टेंशन लिए होंगे एग्जाम में आया है तो बिल्कुल, आपके SBI PO में भी पूछा जाएगा, सब जगह पूछा जा सकता है, SBI क्लर्क में जो आने वाली शिफ्ट है उसमें भी पूछा जाएगा। तो मतलब बैंक में अब कोई क्राइटेरिया नहीं रहा है क्लर्क में, सारा विश्वास उठा दिया गया है। कोई सा भी टॉपिक, ये मेंस का टॉपिक था जनरली, ठीक है ना, कोई सा भी टॉपिक कभी भी पूछा जा सकता है। तो जी बिल्कुल, और मैं आपको हर चीज वो बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन से डरना नहीं है, सेकंड्स में सॉल्व करोगे। मैं डेफिनेटली आपको पूरा पक्का प्रॉमिस कर सकता हूं कि इसका हर एक क्वेश्चन आप विद इन 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। क्या आप बिलीव करोगे इस चीज को? विद इन 10 सेकंड कुछ भी नहीं करना होता, फ्री के मार्क्स हैं। सच बताऊं तो फ्री के मार्क्स कैसे हैं ये सब मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप जुड़ जाइए और बिल्कुल फोकस करना जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूं ना। डेटा सफिशिएंसी बहुत ही आसान है। पहले समझते हैं कि सर इसमें ऐसा क्या है कि डेटा सफिशिएंसी में हम इतनी आसानी से इसको कर पाएंगे। पहली बात, क्वेश्चन को कभी सॉल्व नहीं करना होता, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाला पूछा गया था, है ना, वो भी मैं कराऊंगा, कल करा दूंगा शायद वो, क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2, ठीक है। ये पूछा गया था, मतलब ये आपके हार्ड होते हैं, इसमें आपका टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है, ठीक है ना। इसमें क्या करता है, इसको सॉल्व करना पड़ता है, क्वांटिटी निकालनी पड़ती है, जैसे कि एक्स का मान हो गया, इसको सॉल्व करना पड़ता है, इसको निकालना पड़ता है, फिर दोनों को कंपैरिजन कराना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये वाला टफ होता है एज कंपेरेटिव टू डेटा सफिशियंसी के। तो दोनों ही पूछे जा रहे हैं, हमें तो दोनों ही पढ़ने हैं, ठीक है ना गाइज। तो सब लोग जुड़ जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज ये सब पता है, सब कुछ आ चुका है, लेकिन अब आगे क्या होगा। जी बिल्कुल, मेरा अच्छा हुआ एग्जाम डेफिनेटली, ठीक है, चलेगा। अब हम चलते हैं, इस चीज को आगे बढ़ाते हैं। अब बात ऐसी है कि मैंने आपसे ये बोला था कि इनको सॉल्व भी नहीं करना होता, सच बात है, बिल्कुल भी नहीं सॉल्व करना होता, डायरेक्ट आप आंसर दे पाएंगे, बस आपको मैथमेटिक्स दिमाग में आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, समझ रहे हो, इतनी सी कंडीशन है कि मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए। तो मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं, चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ, देखिएगा पहला प्रश्न आपके सामने है। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए, सब लोग पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। राहुल और रवि की एज पता लगानी है, राहुल और रवि की एज पता लगानी है, राहुल और रवि की आयु, दोनों की एज के बीच में डिफरेंस दे रखा है 6 साल का और उनकी आयु का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है 216। अब दिमाग अगर हमारे पास है तो इसका आंसर आपका आ चुका होगा, ठीक है। तो नहीं आता तो मैं बताऊंगा, पहले हम ऑप्शंस की तरफ रुक करते हैं। ऑप्शंस की तरफ मैं देखता हूं कि ऑप्शन नंबर ए आपका तब सही होगा जब स्टेटमेंट 2 दे रखे हैं, पहला और दूसरा, स्टेटमेंट पहले से ही हमारा आंसर आ जाए, दूसरे की जरूरत ना पड़े। मतलब फर्स्ट अलोन इज सफिशियंट बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट सफिशियंट, मतलब जरूरत ही नहीं है, क्लियर है। इसी तरीके से अगर ऑप्शन नंबर बी आंसर कब दोगे, जब सेकंड से ही हमारा आंसर आ जाए। जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, जब सेकंड से ही हमारा आंसर आ जाए, पहले की जरूरत नहीं है, दोनों की जरूरत है, मतलब पहले, या तो पहले से, मतलब सी ऑप्शन क्या है कि पहले से भी आंसर आ रहा है और दूसरे से भी आंसर आ रहा है, तो या तो पहला या दूसरा वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। और डी में क्या है, दोनों से नहीं आएगा, और ई में क्या है, दोनों से आएगा साथ में मिलके। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कैसे इसका आंसर देना है, दिमाग लगाते हैं, चलिए कुछ नहीं करना, मैंने पेन नहीं चलवाना है इस क्वेश्चन में, आपको बस दिमाग लगवाना है, यही मेरा काम है, ठीक है। राहुल और रवि की आयु, हमें राहुल और रवि से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे पास 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल होते हैं ना, सिंगल इक्वेशन से हमारे आंसर नहीं आते। अगर ये कह देता राहुल और रवि की आयु का अंतर 6 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 6 है, क्लियर है, क्या मैं निकाल सकता था कि x क्या होगा y क्या होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट अकेला पॉसिबल नहीं है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका होना चाहिए 216।
तो मुझे सॉल्व नहीं करना कि आएगी या नहीं आएगी, बस हाँ निकाल सकता हूं क्योंकि दो वेरिएबल आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब दोनों ही रिक्वायर्ड हैं, दोनों ही चाहिए, अकेले से कुछ नहीं होगा, अकेले से कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है चलिएगा। और आंसर भी आ गया कई लोगों का। अब सर ये तो हम आंसर दे दिया, ठीक है अब इस क्वेश्चन को कर भी लेते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको समझ में भी आए कि कैसा करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि राहुल क्या बोला है, राहुल और रवि की आयु की, तो राहुल आपका है, राहुल माइनस रवि कितना दे रखा है 6 साल, ठीक है, और दोनों का गुणनफल, तो राहुल की मैं रवि की मैं मान लेता हूं एक्स, तो राहुल की कितनी हो जाएगी, रवि की अगर मैं एक्स मानता हूं तो राहुल की हो जाएगी 6+x या फिर x प्लस 6, ठीक है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू एक्स प्लस 6 आपका होना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपका होना चाहिए 216। तो ये पॉसिबल कब है, आप इक्वेशन बना के करेंगे, लेकिन अगर आपके अंदर मतलब पेशेंस है और आप सोच सकते हैं तो डेफिनेटली इसका आंसर आप दे सकते हैं। जी बिल्कुल क्लियर है, आई हैव शेयर रिव्यू सर रिलेटेड 14 लास्ट ईयर, बहुत बढ़िया, मैंने देखा था आपका रिव्यू, बहुत अच्छी बात है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 बराबर 0, अब 216 के ऐसे फैक्टर करो तो आपके फैक्टर आ जाएंगे 18 और 12, तो करके देख लेना ये आपका वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, क्लियर है मेरे भाइयों, तो आप एज आराम से निकाल सकते हैं, अच्छी बात है 18 और 12 आ जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस का साइन है तो दोनों का लगेगा, यहाँ प्लस का 6 है तो यहाँ माइनस का 6 होना चाहिए, तो माइनस का 18 और प्लस का 12 आएगा, मेरी बात समझ में आ रही है, मैं कैसे करता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व, आपको मैंने बताया था ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 है, तो माइनस है तो दोनों चिन्ह अलग अलग होंगे, और अलग अलग चिन्ह कैसे होंगे, इस वाले से इनका उल्टा होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 6 निकलना चाहिए क्योंकि यहाँ पे प्लस का 6 है, तो माइनस का 18 प्लस का 12, तो माइनस एज हो नहीं सकती, तो एक्स बराबर आपकी आ जाएगी 12, तो मतलब रवि की आयु कितनी है 12 और राहुल की कितनी हो जाएगी 18, ठीक है, रवि की 12 राहुल की 18 दोनों निकाल दी, हमारे दोनों से आंसर आ गया, क्लियर हो गया भाई साहब। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, चलिएगा दिमाग लगाना है बस, अब जल्दी जल्दी करेंगे सारे क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी क्विकली, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता ना, 20 मिनट में अगर आप 10-10 सेकंड में क्वेश्चन करकाओगे तो 1 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो सकते हैं, सही बता रहा हूं मैं, विश्वास करो मेरी बात का, अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, दिमाग लगाना है, कितने व्यक्ति टीवी प्रोग्राम एक्स को देखते हैं, क्या हम स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से आंसर निकाल सकते हैं, क्या हम स्टेट 1 से आंसर निकाल सकते हैं, क्या हम स्टेटमेंट 2 से आंसर निकाल सकते हैं, या फिर हम दोनों को अलग अलग आंसर निकाल सकते हैं, या दोनों से ही नहीं निकाल सकते, या फिर दोनों को मिलाकर निकाल सकते हैं, तो पांचों ऑप्शन मैंने बोल दिए हैं, दिमाग लगाना है बस, चलिएगा। जी बिल्कुल आंसर मेरे पास आ रहे हैं, राकेश तंवर मैंने बोल दिया मेरे भाई, अभी आप बीच में जुड़े हो, सॉल्व मैं इसलिए करके बता रहा था कि बस जो लोग नहीं समझ में आता है वो समझा दें, बाकी मैंने 10 सेकंड लिखा है तो ये सॉल्व नहीं करना होता, ये पहले ही मेंशन कर चुका हूं, तो आप टेंशन ना लें बिल्कुल भी, ठीक है ना गाइज, चलिएगा आंसर देने की कोशिश करें। बिल्कुल मेरे पास समीर का आंसर आया है, समीर बहुत अच्छी बात है, और जो 1 आंसर दे रहे हैं उनका आंसर है गलत, क्यों है समझना मेरी बात, ये क्वेश्चन है किस तरीके का, पहले दिमाग में ये सोचो, टीवी प्रोग्राम वाई देखने वालों की संख्या 1500 है, समझ लो पहले, समझाऊंगा भी मैं आपको लिख के, टीवी देखने वाले वाई प्रोग्राम वाई देखने वाले व्यक्तियों की संख्या 1500 है, और दोनों प्रोग्राम एक्स और वाई देखने वालों की संख्या 400 है, ठीक है, तो मतलब ये किसका है, वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन है, वेन डायग्राम वाला, और या फिर हम कह दें कि परसेंटेज वाला भी क्वेश्चन है, कैसे कि हम यहां लिखते थे एक्स एंड वाई में कितने लोग देखेंगे, है ना, जब x में अलोन x अलोन प्लस y अलोन देखें माइनस दोनों का यूनियन, दोनों का माइनस कर दो, ये वाली कंडीशन इसमें लगेगी, तो अब हम देख सकते हैं कि कौन सा आंसर हमारा सही होगा, आपको पता लग चुका है कि पहले में क्या दे रखा है, y देखने वाले, तो y मुझे दे रखा है 1500, देखते हैं y देखने वाले 1500 हैं, और x और y दोनों देखने वाले मेरे पास कितने हैं, x और y दोनों देखने वाले मेरे पास कितने हैं, 400 हैं, ठीक है 400 हैं, अब यहां पे क्या दे रखा है, मुझे x का निकालना है, तो क्या बोला गया है आपको, आपका क्वेश्चन क्या गया है, कितने व्यक्ति टीवी प्रोग्राम x देखते हैं, x निकालने के लिए ये भी आपको पता होना चाहिए ना, पता है क्या, पहले स्टेटमेंट में पता लग रहा है क्या,
कहां से लग रहा है बताओ, दिमाग लगा रहे हो ना सब लोग? हाँ, सबके आंसर चेंज हो जाएंगे, मुझे भी पता है सबके आंसर चेंज हो जाएंगे। तो दिमाग से सोचना है हर चीज को यार, क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है सॉल्व। लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा तभी तो समझ में आएगा, है ना। इसको आंसर आपका दोनों से आएगा क्योंकि आपको नीचे दे रखा है या तो एक्स या वाई, और दोनों देखने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 2000 है। तो बस अब आप आंसर भी दे सकते हो। अब एक्स का निकाल लो आप, तो ये हो जाएगा 2400 माइनस 1500, तो आपके एक्स देखने वाले कितने हो जाएंगे, 900 बंदे हो जाएंगे। तो निकल गया ना, लेकिन ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आपके पास दिमाग कॉमन सेंस होना चाहिए था, बस मैथ्स का कॉमन सेंस कि यार मेरे पास ये वेन डायग्राम वाले में जाएगा, वेन डायग्राम वाले में मुझे चार वेरिएबल मेरे पास होने चाहिए, एक्स का अकेला, वाई का अकेला, दोनों वाला और दोनों अलग से वाला। तो मेरे पास एक नहीं था, दो मैंने निकाल सकता हूं। क्लियर है मेरे भाइयों, क्लियर हो गया? हाँ क्लियर हो गया ना दोस्तों, बताएं तो सही यार, मुस्कुराते हुए पढ़ो यार, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, दिमाग में कभी भी गलती नहीं होगी और दिमाग में सेट हो जाएंगे कि हमें समझने कैसे हैं, और इन्हीं में से ही क्वेश्चन आएगा क्योंकि कोई और क्वेश्चन बाहर से बन ही नहीं सकता है फंसाने वाला। ये अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन था मैंने आपको दिया, आप फंसे और एग्जामिनर भी ऐसे ही करेगा आपके साथ में। क्लियर है? तो मैं वही कोशिश करता हूं कि आपको वो एक्सपीरियंस दे सकूं जो एग्जाम में आए, और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश करता रहूं हमेशा। क्लियर है गाइज? अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम में आए थे सारे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करें, दिमाग से बिना पेन चलाए सोचो, पहले अपने आप को इवेल्युएट करो, अपने आप को मूल्यांकन करो कि क्या हम सोच पा रहे हैं, हमें मैथ को समझना है, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। क्या बोला गया है कि x और y का मान क्या होगा, y एक सम पूर्णांक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा, दिमाग लगाना है, पेन भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। y एक सम पूर्णांक है, x एक विषम पूर्णांक है, x y से बड़ा है, और दोनों का गुणनफल दे रखा है 30। अब मैं इसको पढ़ के डायरेक्ट आंसर दे सकता था, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप भी दे पाएं। अच्छा क्वेश्चन है, समझाऊंगा, ठीक है, चलेगा, अच्छा क्वेश्चन है, समझाऊंगा, ठीक है ना, इसकी टेंशन मत लो बिल्कुल। जल्दी से जल्दी से, बिल्कुल सही आंसर मेरे सामने आ रहा है, ई। बहुत अच्छा, लोकेश बंसल का, सुप्रिया ठाकुर, बिल्कुल, नमिता वर्मा, बोथ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट आंसर। समझ गए दोस्तों कैसे? अब मैं सॉल्यूशन देता हूं आपको, क्योंकि आपसे बोला गया है कि वाई आपका क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, एक्स आपका क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, और एक्स वाई से बड़ा होना चाहिए। ये तो क्या है, पहला स्टेटमेंट है, इसको मैंने लिख दिया। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि एक्स और वाई का मल्टीप्लीकेशन क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए। तो कैसे हो सकता है, मैं यहां पर लिख दूं एक्स को, मैं लिख दूं एक्स को 5 और 6 तभी 30 बनेगा, मैं लिख दूं 3 और 10, मतलब मैं लिख दूं 10 और 3 तभी x बनेगा मेरा, ठीक है, और 10 3 5 6 और क्या कर सकता हूं मैं, एक और हो जाएगा मेरे पास 15 और 2, ये भी 30 बन रहा है, ये भी 30 बन रहा है, अभी तीन ही वैल्यू मेरे पास है, है ना। अब हम दिमाग लगाते हैं, क्या हम इससे आंसर दे सकते हैं कि वो x और y की वैल्यू क्या होगी, नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि तीन तीन आ रही है। लेकिन जो ऊपर वाली कंडीशन के हिसाब से कि y इवन होना चाहिए, तो y इवन किस में है, इसमें नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, इन दोनों में से आंसर होगा, और x बड़ा होना चाहिए y से, तो इसमें x छोटा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ 15 और 2। लो नंबर आ गया आपका, x ये है 15 और y है 2। समझ में आया मेरे भाइयों, समझ में आया कि 15 और 2 क्यों आया? क्लियर हुआ? जल्दी से बताएं। हाँ क्लियर हो गया भैया, जल्दी से बताएं जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है, ठीक है, 5 और 6 कैंसिल हो गया, क्यों, क्योंकि इसमें x बड़ा होना चाहिए ना पहले कंडीशन के हिसाब से, तो दोनों को मिलाकर आंसर आएगा, अकेले अकेले से आंसर नहीं दे सकते हम। क्लियर है भाइयों, चलते हैं, चलिए समझ में आ गया ये क्वेश्चन, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जी। बिल्कुल, आरआरबी का क्लास आपका 2 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, आरआरबी का क्लास 2 जुलाई से स्टार्ट होगा, नमन सर आपको मैथ पढ़ाएंगे, ठीक है ना, और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है ना गाइज, तो बिल्कुल आप जुड़े रहना और भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया और मैथ और रीजनिंग आपको हितेश्वरी पढ़ाने वाले हैं। क्लियर है गाइज, चलेगा। मुकेश, मुकेश बीच में जुड़ा है ना, मुकेश, मुकेश भैया आप जुड़े हो अभी, अभी समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड
क्वेश्चन नंबर थर्ड तो हो गया, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दें। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर दें गाइस, क्विकली आंसर देना है आपको, ठीक है ना? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एक वस्तु का क्रय मूल्य। कैसे निकाल पाएंगे? एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए पहला स्टेटमेंट आपके सामने दे रहा है कि उस वस्तु को बेचने के बाद क्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है। क्या मैं आंसर दे पा रहा हूं? जी हाँ, जल्दी से बताएं। जी बिल्कुल बिल्कुल, जिनका आंसर देखिए, गलतियां इंसान कितनी करता है ये समझ में नहीं आता। अरे मेरे भाइयों, मेरे छोटे छोटे और मेरे बड़े बड़े सारे भाई बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या आपको एक भी मूल्य दे रखा है क्या कि भाई 1000 रुपए है तो निकाल लेंगे? हमें ऊपर वाले पहले वाले स्टेटमेंट से क्या मिल रहा है? वही मिल रहा है कि भाई हम रेशो में पता लगा सकते हैं 20% की हानि हो रही है, तो वही 4/5, मतलब सीपी आपका 5 है और एसपी आपका 4 है, ये भी रेशो है और सेकंड से भी आपका 4/5 ही निकल के आ रहा है, तो दोनों सेम ही है लेकिन हम निकाल नहीं पा रहे। हमें सीपी निकालना था, तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल दोनों ही स्टेटमेंट से। तो आंसर कितना आ जाएगा? डी, देखते ही करना है। अब छोटी छोटी चीजें समझ लो, नन आएगा ना, क्यों आएगा? समझ में आ गया मेरे दोस्तों, क्यों आएगा? क्योंकि यहां पे कोई प्राइस नहीं दे रखा। तो हमेशा याद रखना, एसपी सीपी वाले क्वेश्चन आए तो कोई प्राइस जरूर होना चाहिए, तो हमारी कुछ कैलकुलेशन बन सकती है। नहीं है और हम इसे पूछने लग जाए डेटा, तो सीधा क्या दोगे? नहीं आ सकता दोनों से। क्लियर है? चलेगा, तो सीधा देने का आंसर चलेगा। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, जल्दी से करें, सेकेंड्स में आंसर आएंगे लेकिन दिमाग लगाओगे तब। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5, सोचो अच्छा क्वेश्चन है, सोचो जल्दी से। प्रत्येक केले का मूल्य क्या है ये पता लगाना है, तो लगाते हैं। चलिए, प्रत्येक केले का मूल्य क्या है, चलो जल्दी से पता लगाओ। तो हमें एक केले का मूल्य पता लगाना है कि 268 रुपए में एक व्यक्ति 14 केले और 49 सेब खरीदता है। मतलब पहले स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जब एक व्यक्ति जाता है तो वो क्या करता है, 14 बनाना खरीदता है और 49 एप्पल खरीदता है 268 रुपए में। यहां तक तो ये बात ठीक है इसकी, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इस स्टेटमेंट से हम नहीं निकाल सकते ना, कहां से निकाल सकते हैं? तो पहला तो हम नहीं निकाल सकते, तो मतलब पहला तो होगा नहीं। अब दूसरे से दोनों मिलकर निकाल सकते हैं या फिर दूसरे से निकाल सकते हैं, एक ही दो ही पॉसिबिलिटी मेरे पास है। क्लियर है? तो देखो क्या कहते हैं, देखो फिर भी गलत आ रहे हैं आंसर। अरे रे ऐसे मत करो, सोचो बस। देखो क्या बोला गया है कि केले के मूल्य में 40% की कमी हो गई, मतलब केले के मूल्य में 40% की कमी हो गई, ठीक है? तो हम 126 रुपए में 42 केले खरीद सकते हैं। तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या बोला कि 126 रुपए में 42 केले खरीद सकते हैं, तो एक केला कितने रुपए में आएगा? 3 रुपए में। निकाल लिया, तो एक केले का मूल्य 3 रुपए है, 3 रुपए है। ये क्या, कौन सा मूल्य है? जब 40% कम था, जब 40% कम था प्राइस, तब है ना, है ना? तो 40% एक्चुअल प्राइस क्या होगा, जब एक्स रुपए प्राइस था और इसका 40% कम हुआ, ठीक है, इसका 40% कम हुआ, तो 60% बराबर किसके बराबर कर दूं? 3 के। तो यहां से मेरा आ जाएगा एक्स बराबर 5 रुपया। तो मेरी प्राइस आ गई एक बनाना की ओरिजिनल प्राइस 5 रुपया। तो सिर्फ सेकंड से ही मेरा आंसर आ रहा है, मुझे फर्स्ट की जरूरत ही नहीं है। तो सिर्फ मेरा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, मेरा बी आंसर सही होगा। मेरी बात समझ में आई? दोबारा से समझाऊंगा, कोई टेंशन मत लो। देखो इसने बोला कि आपकी प्राइस केले की 40% कम हो जाने के बाद में 126 रुपए में 42 केले खरीदे जा सकते हैं, तो एक केला 3 रुपए में। ये प्राइस कब है? 40% कम पे प्राइस है, तो मैं ये कह दूं कि 60% की जो प्राइस है वो 3 रुपए के बराबर है, तो 1% की कितनी हो जाएगी, मतलब 100% प्राइस कितनी हो जाएगी? 5 रुपए के बराबर। और यही तो हमारी ओरिजिनल है, तभी तो 40% कम किया गया है, तो इसी से ही सारा मैटर सॉल्व हो गया, तो इसको क्यों लेना? तो बी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है गाइस? चलेगा,
सोचना, मैं इस क्वेश्चन को, आप ये बताइए, अगर आप मैथ को जानते, मेरी बात सुनना, जो लोगों के मन में डाउट आ रहा होगा, सर आप पेन चला रहे हो, अरे भाई मैं समझा रहा हूं आपको कैसे करना है, ये मैं बताता हूं, मैं कैसे करता ये मैं बताता हूं, ठीक है ना, तब संतुष्ट हो गए। जैसे ही मैं ये क्वेश्चन देखता तो क्वेश्चन मेरे सामने क्या कहता कि भाई 268 रुपए पहले से नहीं आ सकता। मेरे सोच देखो, क्वेश्चन देखो मेरी तरह सोच के देखना, 268 14 केले और 49 सेब, सेब दे रखा है, सेब का कुछ प्राइस पता नहीं है, तो पहले से तो मैं आंसर नहीं दे सकता अपना, क्यों, क्योंकि यार इक्वेशन दो वेरिएबल है ना, एप्पल और बनाना, नहीं दे सकता, ठीक है। अब मेरा आंसर क्या होगा, ये वाला तो हो नहीं सकता कि फर्स्ट सफिशिएंट, तो ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, तो ये वाला आंसर नहीं होगा और बोथ मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है, यदि केले के मूल्य में 40% की कमी कर दी जाती है तो 126 रुपये 42 केले, तो यहाँ से एक इसका कम वाला मूल्य निकल जाएगा, तो यहाँ से आ गया मेरा आंसर, तो डायरेक्ट ऐसे हो जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, चलेगा, क्लियर है भाइयों, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, 657 लोग देख रहे हैं, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, चलिएगा। चलता हूँ मैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, अगला क्वेश्चन का आंसर दें और दिमाग लगाएं कि इसका आंसर क्या बन सकता है और क्या हो सकता है, चलिएगा। इसका आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर दें, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी दिमाग से, मतलब हम दे पा रहे हैं आंसर या हमारा आंसर आ रहा है, सोचो सोचो क्या बोला गया है, पेन मत चलाना, मैं बोल रहा हूं नहीं चलेगा पेन इस क्वेश्चन में, आसान है। एक व्यक्ति एक वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा, लाभ निकालने के लिए मेरे पास सीपी होना चाहिए और एसपी होना चाहिए, दिमाग में सोचा मैंने, लाभ निकालने के लिए मेरे पास सीपी और एसपी होना चाहिए। चलो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 110 है, तो मैंने अंकित मूल्य 100, मतलब क्रय मूल्य मैंने 100 माना, तो अंकित मूल्य मेरा 110 हो गया, तो क्रय मूल्य मेरा 1200 दे रखा है, 1200 दे रखा है, लेकिन एसपी कहाँ है, बिना एसपी के तो मैं प्रॉफिट निकाल ही नहीं सकता। अगर मान के चलो, अगर मेरे दोस्तों मेरी बात मान के चलो कि मैं ये डस्टर खरीद के ले आया 100 रुपये में, मैं आपसे पूछूं मेरा लाभ बता दो, बताओ, आपको पता ही नहीं है सर ने कितने में बेचा है, तो आप कैसे बता सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है। तो एसपी और सीपी दोनों होने चाहिए लाभ के लिए, तो बस हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। भाई समझ में आ रही है मेरी बात, हमेशा किसी चीज का एग्जाम्पल लेके किसी चीज को सोचा करो। आज मैंने इसको अंकित कर रखा है 100 रुपये, मतलब अंकित 100 रुपये कर रखा है क्रय मूल्य, मैंने आपको सिर्फ बोल रखा है कि भाई इस डस्टर की मार्क प्राइस 100 रुपया है, ठीक है, और इस डस्टर का सीपी 90 रुपया है, अब प्रॉफिट बताओ। अरे यार कैसे बता देंगे सर, हमें तो पता ही नहीं आपने कितने में बेचा है, सही बात है ना, तो बस नहीं आएगा चाहे कुछ भी आ जाए, क्लियर है गाइस, हाँ नाइदर होगा, समझ में आ गया, तो यही तो दिमाग लगाना है, अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना होता कभी भी, ठीक है, चलिएगा। अब तैयार है अगले क्वेश्चन के लिए, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे, उम्मीद है 656 लोग देख रहे हैं, सारे के सारे लाइक करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है और SBI PO में भी आएगा, ठीक है ना, SBI क्लर्क की आने वाली शिफ्ट में भी आएगा, तो उम्मीद यही करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, क्योंकि ये मेरी खुशी के लिए और आपकी खुशी के लिए मैं आपको कैसलेट पढ़ाने वाला हूं, कैसलेट DI, ठीक है, कैसलेट DI पढ़ाऊंगा और क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाली चीज भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है, क्वांटिटी व कंपेरिजन मतलब इनइक्वलिटी वाली पार्ट, ठीक है ना गाइज, नंबर सीरीज कराऊंगा एक दिन, जितनी भी ऑल शिफ्ट में पूछी गई है रॉन्ग वाली, रॉन्ग नंबर सीरीज, गलत संख्या निकालने वाली, क्लियर है ना, तो सब तैयार है ना, तो जल्दी से मुझे बता देगी, यस सर हम तैयार हैं सब, चलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन दें, क्वेश्चन नंबर 7 करें, सोचें कि इसका आंसर आ सकता है, दिमाग से कर सकते हो इसको 2 सेकंड में, बस करिए। दिमाग से करिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से करिए, कोशिश करिए हो जाए, 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। प्रत्येक आपको निकालना क्या है कि एक बंदे की निकालनी है इनकम कितनी होगी एक बंदे की, तो परिवार की प्रति व्यक्ति औसत मासिक वेतन क्या है ये निकालना है। तो प्रत्येक पुरुष एक माह में 1250 रुपये और प्रत्येक महिला एक माह में 1050 रुपये कमाती है, लेकिन महिला पुरुष का तो पता ही नहीं है, आगे देखते हैं, पहले से तो नहीं आ सकता, अकेले से तो नहीं आ सकता, दूसरे में देखते हैं, परिवार में पुरुष और महिलाओं का अनुपात दे रखा है,
अनुपात दे रखा है तो हम खेल गए, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो हमें पता है कि बोथ रिक्वायर्ड है। अब किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा, जिसने मैथ कम की है उनको नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं बताता हूं देखो कैसे। सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि अनुपात कितना है, 2:1 है मेल और फीमेल का। तो मैं ये कह दूं 2x और x है, मतलब 2x मेल है और fx फीमेल है, क्लियर है। और पूरा निकालना है, मुझे पूरे परिवार का औसत निकालना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में मेरे को क्या दे रखा है कि पुरुष कितना कमाता है, 1250 रुपये एक पुरुष। तो 2x पुरुष कितना कमाएंगे, 2500 x प्लस एक महिला है, एक महिला कितना कमाती है, 1050 x बटे कितना है, 3x, भाई 2 और 1 3x बस। तो x कॉमन ले लेंगे तो x तो कट ही जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका। तो बस दिमाग नहीं लगाना, आंसर आ जाएगा प्रति व्यक्ति, क्लियर है भाइयों। चलिएगा तो बोथ से आएगा, लेकिन है ना ऑप्शन नंबर ई आपका आंसर होगा, बोथ वाला। चलिए अब अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर एट करें फटाफट से, बिना सोचे समझे आंसर देने की कोशिश करें, मतलब पेन मत चलाओ, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सोचने की कोशिश करो। छोटे छोटे क्ल्यू होते हैं पता है, अगर आपको मैथ के साथ खेलना है ना तो मैथ को अपने जैसा बनाना पड़ेगा। अच्छा क्वेश्चन देखा तो क्वेश्चन से बोलो, अच्छा तू है, ठीक है, ट्रेन एक्स की चाल क्या है, सोचते हैं एक्स की चाल निकालने के लिए मुझे एक्स की चाल पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो ट्रेन एक्स की लंबाई वाई की दुगनी है, तो वाई की दुगनी है तो एक्स की लंबाई तो मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि मुझे एक्स की निकालनी है तो मुझे एक्स पे फोकस करना है। चलो वाई की चाल भी दे रखी है, अरे वाह मजे हो गए। अब पहले स्टेटमेंट से तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि हमें ये थोड़ी दे रखी है कि वाई की जो रिलेशन दे रखा है वो लेंथ में दे रखा है, ना कि चाल में, ठीक है, नहीं निकाल सकते। नीचे चलता हूं, ट्रेन एक्स वाई को 10 सेकंड में पार करती है, ठीक है, पार करती है 10 सेकंड में, हालांकि पार करती है लेकिन x की लंबाई 100 है, तो यहां से मेरी लंबाई निकल गई x की भी, है ना। तो अब आपका आंसर आ गया बोथ, वेरी गुड गाइस, है ना, यही तो बात है, दिमाग तो लगाया नहीं हमने, आंसर देने में लगे रहते हैं हम बस, है ना। टाइम लो थोड़ा, आराम से खूब टाइम लो, आपकी आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं मैं, तो आंसर देने की कोशिश करते रहो। हाँ, और इसका आंसर मैं बता देता हूं, इसका आंसर डी है, इसका आंसर डी सही होगा, मतलब नन। अब पहले मुझसे पूछो क्यों, जल्दी से पूछो सब लोग, जिसको समझ में आ गया वो समझ में आ गया होगा, जिसको नहीं आया वो मुझसे पूछ सकता है कि सर क्यों आपने नन इसका आंसर दिया, ऐसे ही तो आए थे क्वेश्चंस जो मैं आपके सामने करा रहा हूं, यही तो फंसती है इंडिया हमेशा। जी बिल्कुल, नन इसका आंसर होगा। अब किसी किसी ने टू भी ला दिया, चलो देखते हैं, आ गया अब डी किसी का, मीरा बिस्ट का, कोई रीजन दे सकता है, रीजन बिहाइंड, इसके पीछे रीजन क्या है, समझ गए। अरे मेरे भाइयों, डायरेक्शन क्या पता है क्या आपको, दोनों ट्रेनें कौन सी डायरेक्शन में चल रही हैं, सेम में चल रही हैं या अपोजिट में चल रही हैं, कहां बोला है, पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो तो सही। अब यार इतना तो जब पीओ बनने जा रहे हो, क्लर्क बनने जा रहे हो, छोटी सी चीज है बस, जो कि एलिमेंट्री चीजें हैं, कि जब सामने आती हैं अपोजिट में तो जुड़ जाती है वेलोसिटी, विपरीत जाती है तो घट जाती है, पता है क्या कहाँ जा रही है, हैं बताओ। दिया है क्या, नहीं दिया ना, तो डायरेक्शन नहीं पता तो नहीं निकाल सकते, तो नन आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया ट्विस्ट कहाँ है पिक्चर में, हाँ तो इस समझ में आया, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे, उम्मीद है कि आपको सीखे हैं आज, है ना, कुछ सीखे हैं, और ये सीखना हमेशा चलता रहना चाहिए, मतलब जिंदगी भर सीखते रहो और इम्प्रूव होते रहो अपने आप में, ठीक है, चलेगा। अच्छा था ना क्वेश्चंस, अच्छा था भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, गूगली फेंक रहा हूँ आपके लिए, आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर दीजिए। निकाल लेते, कोई भी डायरेक्शन होता तो निकाल लेते, कुछ भी होता तो निकाल लेते, डायरेक्शन ही नहीं बताया उसने, पता नहीं है आपको अपोजिट में क्या होता है, अपोजिट में दोनों की जो वैल्यू, जो स्पीड है वो जुड़ जाती है, स्पीड प्लस हो जाती है, और सेम डायरेक्शन में चलता है तो स्पीड माइनस हो जाती है, लेकिन हमें सॉल्व नहीं करना होता ना, सॉल्व भी नहीं करना होता, हम निकाल लेते बस, बोथ आंसर आ जाता अगर डायरेक्शन दे रखी होती तो, लेकिन दे ही नहीं रखी तो हम क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हमारे पास तो दिमाग है बस, क्लियर है। चलिएगा
देखो शिवांग मेहरा कह रहे हैं सर बस ट्रेन 10 सेकंड में कर, 10 सेकंड से क्या मतलब है? देखो आंसर मेरे पास आ रहे हैं, चलो 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 दो आंसर दो जल्दी से। नन दे रहे हैं, नन दे रहे हैं, बोथ 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 किसका आया? महेश का आया बोथ, बहुत बढ़िया महेश, वेरी वेल डन दोस्त, है ना। देखिए अच्छा लग रहा है तो आंसर देते रहिए, मस्त रहेगा, मजा आएगा, देखो इसमें भी कुछ सीखने को मिलेगा। अब क्या बोला गया है कि क्या एक पूर्णांक एक्स तीन से विभाजित है? क्वेश्चन पूछा है आपसे कि क्या तीन से विभाजित है, तो इसने पहला स्टेटमेंट क्या दिया है कि जो भी आप एक्स पूर्णांक लेंगे वो तीन पे एंड होना चाहिए। तो मैंने ऐसे ले लिया, जनरली मैंने ले लिया 63, तीन पे एंड हो रहा है, मैंने ले लिया 73, तीन पे एंड हो रहा है, मैंने ले लिया 83, तीन पे एंड हो रहा है, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो पहले स्टेटमेंट को क्या कहा गया है कि कोई एक्स पूर्णांक है वो तीन पे एंड होना चाहिए, तो इससे तो मैं बता नहीं सकता ना यार कैसे। अब यहां तो मुझे पता नहीं है कि इसको ले भी सकता हूं या हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड वाले के साथ जाता हूं कि x प्लस 5 कर दो, तो यहां पे मैं चेक कर सकता हूं 68, यहां पे मैं चेक कर सकता हूं 78, यहां पे मैं चेक कर सकता हूं 88। देखो दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब मैंने सब में प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 किया और मैं चेक कर रहा हूं कि तीन से विभाजित है, तो ये तीन से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। ये तीन से विभाजित हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है 26 बार। और ये तीन से विभाजित हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा कि दोनों की सहायता से मैं पता लगा सकता हूं कि आपका संख्या जो भी एक्स पूर्णांक हो, हमें ये नहीं कहा कि एक्स वो होना चाहिए, हमसे बस इतना बोला है कि क्या हो सकता है, बिल्कुल पता लगा सकते हैं, ये नहीं हो सकते, ये हो सकता है। तो बस दोनों ही रिलेशन आपके सामने आ गए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ आपका आंसर हो जाएगा, और दोनों की वजह से ही सक्षम हो पाया, वरना मैं इसको देख के कैसे बोल सकता था, पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर आपसे कोई बोल दे कि कोई एक्स है तीन से मतलब उसके पीछे तीन आ रहा है, विभाजित है क्या, कैसे कह सकता हूं मैं? नॉट पॉसिबल। देख लो तीन संख्या लेके देख लो, चाहे आप हजार संख्या लेके देख लो जिससे जिसके एंड हो रहा हो, तो बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते, क्योंकि वो संख्या नहीं पता रहेगी हमें। तो बोथ आपका आंसर होगा। क्लियर हो रहा है? अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहे सारे लोग, बहुत मजा आ रहा है। और मैं यही करूंगा, जो लोग अभी जुड़े हैं ना, तो बात ऐसी है कि बस दोबारा से देख लेना, जिंदगी सवर जाएगी, क्योंकि 5 मार्क्स के आ रहे हैं ये लोग 5 मार्क्स के आ रहे हैं, और फ्री के मार्क्स हैं, फ्री के मार्क्स, क्योंकि 10 सेकंड में आप इनको सॉल्व कर सकते हो, बस मैथ करते रहो, मजा लेते रहो बस इस क्वेश्चंस का। आई होप आपको सब क्लियर हो रहा है गाइस, और आपसे तो समझ में तो आना ही है आपको, सीधी सी बात है, क्लियर है, चलेगा। अब लास्ट क्वेश्चन लेता हूं आज की क्लास का, और भी मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। अभी तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आपको कल कराने वाला हूं, मैं कैसले डीआईवी में कराने वाला हूं, नंबर सीरीज भी मैं कराने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, तैयारी ऐसी होगी कि डंका बोलेगा 30 क्वेश्चन का, ये 30 क्वेश्चन सही होने चाहिए 35 में से, करके आओगे, और पीओ में भी ऐसा ही आएगा, क्लियर है, चलिएगा। तो अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें सब लोग, आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को करें, क्वेश्चन नंबर 10 करें। लोकेश बंसल कह रहे हैं अच्छा डाउट है, मैं ले लेता हूं लोकेश 523, ऐसी नंबर ले लिया, कोई भी पूर्णांक ले लिया। अब ये क्या तीन से है? तो मैं चेक करने के लिए क्या करूंगा, 5 से जोड़ूंगा बस, तो ये हो जाएगा 528। तो यहां मैं 3 से डिवाइड करके देख सकता हूं बस, तो 8 और 2 10 और 5 15 डेफिनेटली है, तो पता लग गया मुझे। अब मैंने कोई ले लिया 663 ले लिया, प्लस 5 किया, तो इस अकेले 3 से खत्म होने वाली से तो नहीं बता सकता ना मैं, मुझे दोनों से ही कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा, तब मैं श्योर हो जाऊंगा कि हाँ भाई है, क्लियर है, चलेगा। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज पता है क्यों नहीं होना, क्योंकि एक्स बोला है आपसे, बस क्वेश्चन पूछ रहा है या नहीं है, कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, तो आप चेक कर सकते हो भाई। जैसे कि मैंने पता क्यों लिया था, मैं आपको बताता हूं, 63 73 83 मैंने पता क्यों लिया था, यहां तो ये तीनों ही नहीं हो रहे, यहां तो ये तीनों ही नहीं हो रहे, तो मैं कैसे कह सकता हूं भाई कि तीन से विभाजित है? मैं कह ही नहीं सकता, कोई एक्स पूर्णांक मैंने तीन संख्या मान लिया। आपने कहा ये क्यों मानी, क्योंकि मुझे पता है इसको 5 जोड़ने पर ये 78 हो जाएगा और ये तीन से विभाजित है, इनमें जोड़ लो नहीं होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि 5 जोड़ने के बाद रिजल्ट मेरे पास आ जाएगा, नहीं तो नहीं आ रहा था, क्लियर हो रहा है। एक जैसे रिजल्ट को हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं हो रहा, 5 जोड़ने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये हो रहा है, ये दोनों नहीं हो रहे,
बस खेल समझ में आया सारा, सारा खेल यही है, बस दिमाग का खेल है, मजे करो यार लाइफ में। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मुस्कुराते रहो, खुशियाँ बांटते रहो, खुशियाँ देते रहो, बस इतना सा ही तो जीवन है, इसको जी लो बस। पर लेकिन किसी के लिए कुछ करना है तो ये मेहनत कर लो, नौकरी लग जाएगी और बस सफल हो जाओगे अपनी लाइफ में। क्लियर है, आंसर आ गया भाई किसी का? जी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, केवल एक। अब इसमें दिमाग ही नहीं लगाना सबको, क्या प्रतीक राहुल से बड़ा है? तो यार जब लीला प्रतीक से 4 वर्ष बड़ी है, लीला प्रतीक से 4 वर्ष बड़ी है, और क्या बोला गया है, लीला प्रतीक से 4 वर्ष छोटी है, 4 वर्ष छोटी है, और राहुल से 2 वर्ष छोटी है, राहुल से 2 वर्ष छोटी है। तो मैं तो ये कह सकता हूं ना भाई कि भाई सीधी सी बात है, अगर लीला की आयु सेम है तो लीला की आयु में मान लेता हूं 5, तो ये अब प्रतीक की कितनी आ जाएगी, 9, और राहुल की कितनी आ जाएगी, 7, तो प्रतीक बड़ा है ना राहुल से। बस यही तो पूछा है, क्या प्रतीक राहुल से बड़ा है, पता लग गया पहले स्टेटमेंट से ही, पता लग गया ना। अब सेकंड से पता लग सकता है क्या? सेकंड से पता नहीं लग सकता, क्योंकि दोनों की प्लस में आ जाएगी। तो और हाँ, और एक बात ध्यान देना, और एक बात ध्यान देना कि जब आपका एक सेंटेंस से निकल जाए ना तो दूसरे पे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? मेरी बात सुनो क्यों। अगर दूसरे से निकल जाता तो आइदर वाला आंसर आता भाई, दूसरे से भी निकल जाता तो आइदर वाला आंसर आ जाता है ना। अगर पहले से निकल गया तो आपका जो मतलब बोथ वाला मतलब ये है ना कि सफिशियंट नहीं है, सफिशियंट नहीं है, तो इसमें आपको आंसर देना पड़ेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है गाइज, सारी चीजें क्लियर हो गई? हाँ, तो देखो एक बंदे ने क्वेश्चन पूछा है, एक स्टूडेंट्स ने, जैसे आप में से डाउट आ रहे हैं तो मैं डाउट ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 में एक बंदा कह रहा है कि सर 23 ले लो, इसमें 5 जोड़ लो। तो 23 को मैं नहीं कह सकता लेकिन 5 जोड़ के मैं 28 करूंगा, तो ये 3 से विभाजित है क्या? नहीं है। मैंने क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा से दिखाया जाए एक बारी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 दोबारा से देखें, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला क्या है ये तो देखो पहले, कि कोई पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है एक्स, तो यहाँ 23 लो या फिर 73 लो या फिर 63 लो या फिर 83 लो, लेकिन 3 से एंड होना चाहिए बस, पहले स्टेटमेंट के हिसाब से। और 5 जोड़ के हम ये बता सकते हैं कि ये है ये नहीं है, इतनी सी बात है बस। मेंस में कृष्णा ठाकुर पूछ रहे हैं कि सर मेंस में हार्ड आएगा क्या? कृष्णा, मेंस में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 3 स्टेटमेंट वाले आएंगे, 3 स्टेटमेंट वाले, वो मैं कराऊंगा आपको, है ना। फर्स्ट वो नमन सर भी करा सकते हैं, मैं भी करा दूंगा, कोई भी करा देगा दोनों में से, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो 3 स्टेटमेंट वाले डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आएंगे, 4 स्टेटमेंट वाले भी हो सकते हैं, तो वो थोड़ा टफ बन जाता है, वो सब क्वेश्चंस मैं करवा देंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आई होप आपने क्लास को एंजॉय किया है, तो मुझे बताएं कि क्लास कैसी रही, जल्दी से बताएं, क्विकली बताएं, क्योंकि कल मैं कैसलेट लाने वाला हूं। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि डेली क्लास होती है 2 बजे, और 2 जुलाई से टाइम टेबल चेंज हो जाएगा, आपको हम बता देंगे कि क्या क्या टाइम टेबल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम टेबल दिया गया है, और हमारी कम्युनिटी भी है, कम्युनिटी पे जाके भी आप देख सकते हैं टाइम टेबल को, ठीक है ना गाइस? जी बिल्कुल। हाँ रंजीत सही कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा, डोंट वरी गाइज, अच्छा लग रहा है, लाइक करते रहें, प्यार देते रहें, प्यार बांटते रहें, यही सब है और क्या है, ठीक है गाइज, चलिएगा। अच्छी लगी चलिएगा, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फिर मिलता हूँ कल अब एक कल इंटरेक्टिव सेशन लेते हैं, कुछ इनइक्वलिटी ले लेता हूँ या फिर नंबर सीरीज करा देता हूँ, जो भी आई है रॉन्ग नंबर वाली, ठीक है? तो ऐसा करता हूँ, कल आपके लिए रॉन्ग नंबर सीरीज वाला सेशन ले लेता हूँ, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज सारी, ऑल रॉन्ग नंबर सीरीज वाले, ठीक है गाइज? खुश हैं तो बताएं, हाँ जैसे कुलदीप सिंह ने एक एग्जांपल दे दिया, क्वेश्चन नंबर 9 कंफ्यूजिंग नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना उसको, दोबारा से देखने की कोशिश करना, ओके तो फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, होप यू लाइक इट, टेक केयर।